Assalamu alaikum. Welcome to World Women Foundation Community Center Trust. I'm Dr. Sara Amir. आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है effects of hormonal imbalance on women's health. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट द पीरियड्स. पीरियड्स इज अ वुमेन्स मंथली ब्लीडिंग. पीरियड स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 12 एंड कंटिन्यू अंटिल द मेनोपॉज एट द एज ऑफ 51. मोस्टली पीरियड्स लास्ट होते हैं 3-5 डेज. इस टॉपिक को शेयर करने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस हो अबाउट द हार्मोनल इम्बैलेंस. पाकिस्तान में 80-90% खवातीन हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं. बात करते हैं अबाउट द हार्मोन्स. हार्मोन्स का फंक्शन हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा है. हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम एक सिस्टम है जो कि हार्मोन्स को रेगुलेट करता है. एंडोक्राइन सिस्टम्स जो कि ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट 8 ग्लैंड्स पे मुश्तमिल है. ये ग्लैंड्स हर जगह मौजूद हैं और ये डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं. हार्मोन्स जो है वो वर्क कैसे करते हैं. हार्मोन्स जब ग्लैंड से रिलीज होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस जो है ब्लड में डायरेक्टली दाखिल हो जाता है और हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलता है और ये डिफरेंट अपने फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारी मंथली साइकिल या डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेनी मोर. अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उनकी बॉडी में कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जो यूजली शो होते हैं. नंबर 1 एक्सेसिव वेट गेन, वजन का तेजी से बढ़ना या रुक जाना या कंटिन्यूसली मेहनत करने के बाद भी आपका वजन कम ना होना, ये सारी अलामतें हार्मोनल इम्बैलेंस की हैं. नंबर 2 सीवियर हेयर लॉस, अगर आपकी डेली रूटीन में बालों का झड़ना ज्यादा है इट कैन बी अ साइन ऑफ एन हार्मोनल इम्बैलेंस. नंबर 3 एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीने का ज्यादा आना हाथों में पाँव में या रात में नींद के दौरान पसीने का आना, ये भी एक अलामत है हार्मोनल इम्बैलेंस. नंबर 4 एक्ने एंड पिंपल्स. पिंपल्स नॉर्मली जो है पीरियड्स के दिनों में निकलते हैं. अगर वो कोई स्कार्स छोड़ दें या ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आपके फेस पे ज़्यादा नज़र आना स्टार्ट हो जाएं तो इट मीन्स दैट दिस इज अ सिम्पटम ऑफ एन हार्मोनल इम्बैलेंस. नंबर 5 इनफर्टिलिटी. खवातीन का मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है मिसकैरेजेस या कंसीव ना होना. इसका कॉज है मेन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS जो कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी करता है और आपकी ओवरीज में सिस्ट पैदा करता है. दिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ एन हार्मोनल इम्बैलेंस. नंबर 6 एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी. किसी भी वजह से घबराहट को होना, डिप्रेशन होना या मुस्तकिल एक ही जैसा मूड स्विंग रहना, ये सारी अलामतें हैं इन द केस ऑफ एन हार्मोनल इम्बैलेंस. नंबर 7 डिफिकल्ट स्लीपिंग. रात को पूरी रात जागते रहना और या 2-3 घंटे तक सोना, कंसंट्रेट ना कर पाना कामों में या भूल जाना या कंटिन्यूसली आपको थकावट का महसूस होना, दिस इज द ऑल्सो साइन ऑफ एन हार्मोनल इम्बैलेंस. अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट. सबसे पहले एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, अच्छी हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें और प्लस अपने प्रॉपर स्लीपिंग टाइम का ख्याल रखें. अवॉइड द थिंग्स एक्सेस शुगर इनटेक, इट्स अ पॉइजनस फॉर यू पीपल. एंड प्लस आपको जो है अवॉइड करें फास्ट फूड 10 पैकेट्स. ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जिसके जरिए आप अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें.